हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स की कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम गिवन कैसे है। एन ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 1.2 मीटर, एंड इन द सेंटर ऑफ ए रूम, एक रूम के केंद्र में रखा है। रूम का साइज देखिए क्या है, 4.2 मीटर तो है उसकी लंबाई, 3.6 मीटर उसकी चौड़ाई या ऊंचाई कहिए, ठीक। और दूसरी जो स्टेट है आपकी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स की कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर वन देखिए किस तरीके से गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है ओ जो कि जमीन से कितने ऊपर है, 1.2 मीटर, एंड इन द सेंटर ऑफ ए रूम, और वो पॉइंट कहाँ है, किसी रूम के केंद्र में है। तो उस रूम का साइज दिया है, देखिए 4.2 मीटर, 3.6 मीटर और 3.6 मीटर, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ जो है वो देखिए 4.2 मीटर है, ये ऊंचाई भी 3.6 मीटर है और चौड़ाई भी 3.6 मीटर है। अब हमें करना क्या है, ग्राफिकली डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। हमें ग्राफिकली डिटरमाइन करना है, मैथमेटिकली नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्योंकि हम ग्राफिकली ही डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है रूम के किसी भी एक कॉर्नर से। कॉर्नर मेंशन नहीं है, कॉर्नर कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी एक कॉर्नर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है, आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम में आप जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ये खाली आपको समझाने के लिए है। देखिए ये मैंने रूम डिज़ाइन कर दिया है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट ओ है कोई, ये लाल रंग का बिंदु जो दिखाई दे रहा है आपको, जो कि ज़मीन से कितनी ऊपर है, 1.2 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो किसी भी एक कॉर्नर रूम का, कोई भी कॉर्नर, आठ कॉर्नर है रूम के, देखिए बॉटम में भी है चार कॉर्नर और टॉप में भी है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मैंने बी कॉर्नर ले लिया, ये देखिए इसको बी का नाम दे दिया। ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इसको ये समझिए कि एक धागा है या एक तार मान लीजिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है, अब ये हवा में तो रहेगा नहीं, धागे तो और भी होंगे, इसको एक बल्ब की तरह मानिए आप, कि दो कॉर्नर पे मैंने रस्सी बांध दी है और बल्ब लटका हुआ है, कुछ इस तरीके से मानेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। तो अभी दूसरे धागे की बात नहीं कर रहे, एक ही धागा है जो कि बी कॉर्नर से अटैच है और ओ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम बनाने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए 3.6 मीटर और 4.2 मीटर बहुत ज़्यादा हाइट है, 1.2 मीटर। एक स्केल चुनना है हमने सूटेबल, उस स्केल के अकॉर्डिंग जो येलो बॉक्स में दिखाई दे रहा है आपको, एक मीटर एक सेंटीमीटर के बराबर हमने डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए मैंने इसी को ग्राफिकल में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बनाने की कोशिश की है, एक्चुअल में आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल के लाइन के ऊपर मैंने बना लिया अपना फ्रंट व्यू, यानी ये सामने वाली दीवार जो है मैंने बना ली है। ये सामने वाली दीवार पे बनाओगे तो सामने से आपको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट ओ जो है ना आपको 1.2 मीटर ऊपर दिखेगा। तो मैंने ये इसका फ्रंट व्यू बनाया, ओ डैश 1.2 मीटर नहीं होगा, अब ये 1.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस हमारी एक मीटर एक सेंटीमीटर को दर्शाती है। तो 1.2 मीटर हमारा ऑब्जेक्ट होगा ओ डैश, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हो गया। देखिए जब आप फ्रंट से देखेंगे इस धागे को, कॉर्नर को, बी को, तो ये कॉर्नर आपको यहाँ नहीं दिखेगा, जब आप सामने वाले इंटरफेस पर देखेंगे जहाँ मेरा अभी ये कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखेगा, यानी आपको धागे की असली लंबाई नहीं दिखेगी, कुछ घटी हुई लंबाई दिखेगी। तो ये फ्रंट व्यू आपको दिखेगा, फ्रंट व्यू वाले ये सामने वाली दीवार के कॉर्नर पे, बी डैश यानी यहाँ जहाँ कर्सर है यहाँ दिखेगा, पीछे से आगे की तरफ दिखेगा। तो हमने ये बी डैश दिखा दिया। सामने वाली दीवार की डायमेंशन क्या थी, 3.6 मीटर ऊंचाई थी और 4.2 मीटर हमारी लंबाई थी। तो ये 4.2 सेंटीमीटर ले ली हमने विड्थ और 3.6 ले ली हमने ये सेंटीमीटर हाइट। तो फ्रंट व्यू रेडी हो गया है हमारा, ओ डैश बी डैश हमारे ऑब्जेक्ट और धागे को दिखाते हैं रेस्पेक्टिवली। अब देखिए अब इसी धागे को जब मैं ऊपर से इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर से देखूंगा, यहाँ से जब ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ है ना, ये जो
बेस है बेस के सेंटर में है, यानी मैं अगर हमारे टॉप व्यू को बनाऊं तो टॉप में ये वाला फेस और ये वाला फेस आइडेंटिकल इन साइज है, तो 3.6 मीटर और 4.2 मीटर का ही हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू का ये बॉक्स बन जाएगा रूम का। ठीक है, जब मैं इसके डायगनल्स को मैं ज्वाइन करूंगा इस तरीके से, ये डायगनल्स मैंने ज्वाइन किए हैं, यहाँ ये कट करेगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा टॉप व्यू में, तो ओ डैश के जस्ट नीचे ओ हमारा। अब देखिए जब इसके डायगनल्स को आप मिलाएंगे ना, तो डायगनल्स को मिलाने के बाद ये जो दूरी होगी तो ये 3.6 मीटर का क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो ये ओ डैश के नीचे ही जस्ट ओ है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है आपको, इससे जस्ट 1.8 मीटर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इस ऑब्जेक्ट बी को ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखने पे ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ये जो स्मॉल बी है, ये जो पॉइंट है, ये मेरे इस बॉटम फेस को, क्योंकि मैंने बॉटम फेस बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ स्पेस में तो दिखेगा नहीं, इस जमीन पे दिखेगा, इस जमीन के इस कॉर्नर पे दिखेगा। देखिए जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये बी पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो ये हो जाएगा मेरा स्मॉल बी, तो मैंने इसके पीछे वाले कॉर्नर पे बी बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यानी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक लाइन है जिसका हमें फ्रंट व्यू भी मालूम है और टॉप व्यू भी मालूम है, और दोनों ही ट्रू लेंथ नहीं है, हमें उसकी ट्रू लेंथ निकालनी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, मैं करने को यहाँ भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ और बतानी है, वो देखिए कैसे है। जब हमें ट्रू लेंथ निकालनी हो, इन दो लाइनों को ध्यान रखिएगा आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए भी और इस प्रॉब्लम में भी, टू फाइंड ट्रू लेंथ वी नीड टू मेक टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। अगर हमें ट्रू लेंथ निकालनी है किसी भी लाइन की, तो हमें क्या करना होगा, उस लाइन के टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन के पैरेलल कर देना होगा, तो हम फ्रंट व्यू में उसका ट्रू लेंथ देख पाएंगे। पहली लाइन का मतलब तो है ये, दूसरा भी कर सकते हैं हम अपनी ट्रू लेंथ जानना चाहते हैं अगर लाइन की, तो हम फ्रंट व्यू को भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कितना रोटेट करना है, जब तक वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल ना हो जाए। जैसे ही वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा, तो हम टॉप व्यू में उसकी ट्रू लेंथ देख पाएंगे या ट्रू शेप देख पाएंगे। अब देखिए इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपनी गिवन प्रॉब्लम में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई है मेरी, ठीक है, तो ये मेरा ओ डैश और ओ पॉइंट दिखाने हैं आपने। ओ डैश कितने ऊपर था, 1.2 मीटर, और ओ पॉइंट कितनी आगे था, 1.8 मीटर। ये डायमेंशन हो जाएंगी देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमने ऑब्जेक्ट का फ्रंट और टॉप व्यू बना लिया है, अब हमें कॉर्नर का बनाना है, वो देखिए कैसे बनेगा। एक लाइन पैरेलल खींचिए एक्स वाई लाइन से, इसकी यहाँ पे पॉइंट हमें कौन सा मार्क करना है, हमें यहाँ पॉइंट मार्क करना है बी डैश। तो यहाँ एक्स वाई लाइन से, इस एक्स वाई लाइन से ये जो मैंने लाइन दूरी पे ड्रॉ की है, ये दूरी कितनी होगी, जितनी फ्रंट की हाइट थी, 3.6 मीटर की दूरी पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये ओ डैश से हमें कुछ कंपास खोलना है और यहाँ पे काट देना है। ठीक है, अब ये हाइट कितनी होगी हमारी, ये हाइट होगी हमारी 3.6 मीटर हाइट पे। तो इस तरीके से मुझे ओ डैश बी डैश मिल जाएगा फ्रंट व्यू। इसी के जस्ट नीचे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक्स वाई लाइन को काटेगा, ये हमारा स्मॉल बी पॉइंट आ गया, और ओ और बी को मिला देंगे, ये हमारी लाइन का टॉप व्यू है, दोनों ही ट्रू लेंथ नहीं है। अब देखिए हम स्टेप नंबर 1 इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम अपने टॉप व्यू को पैरेलल करेंगे, यानी ओ बी जो लाइन दिखाई दे रही है आपको टॉप व्यू, उसको पैरेलल करेंगे एक्स वाई लाइन के। कितना पैरेलल करेंगे, जब तक वो एक्स वाई लाइन के बिल्कुल समानांतर ना हो जाए, इतना उसको रोटेट करेंगे। अब देखिए टॉप व्यू ओ बी को घुमाने के दो तरीके हैं, या तो O पॉइंट को फिक्स कीजिए, B को पैरेलल कर दीजिए, या फिर B को फिक्स कीजिए और O को पैरेलल कर दीजिए एक्स वाई लाइन के। हम देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, O पे कंपास की नीडल पुट करेंगे और O स्मॉल B रेडियस का हम प्रकार खोलेंगे और उसको नीचे की तरफ ऐसे आर्क एक लगाएंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और जहां पे आपको ये एरो हेड दिखाई दे रहा है ना, ये एरो हेड, ठीक है ना, इतना पैरेलल होने के बाद ये ओ बी हब हमारा क्या हो गया है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो गया है। जैसे ही ये पैरेलल हो जाएगा ना, हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पे, उस पॉइंट को नाम देंगे हम बी वन का यहाँ पे। अब इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। अब ऊपर वाली लाइन के ऊपर ये कट करेगा, ठीक है, जो कि लोकस है हमारे बी का, बी डैश का, तो
वहां पे हमें पॉइंट मिलेगा बी वन डैश, ठीक है। अब ओ डैश और बी डैश को हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये रेड कलर की जो लाइन आई है यही वो ट्रू लेंथ है जो हम पाना चाहते थे, ठीक है। यहां तक हमारा सॉल्यूशन हो गया खत्म। अगर आप पेपर में ऐसा भी करना चाहें, किसी स्टूडेंट की इच्छा है कि वो सर वो कहेगा कि सर मुझे टॉप व्यू को रोटेट नहीं करना, मुझे तो फ्रंट व्यू को रोटेट करना है, वो भी ठीक है। तो फ्रंट व्यू को रोटेट करने के भी दो तरीके हैं, ओ डैश को फिक्स कीजिए और बी डैश को रोटेट कर दीजिए, ठीक है, पैरेलल बना दीजिए एक्स वाई के, या फिर बी डैश को फिक्स कीजिए और ओ डैश को रोटेट कर दीजिए ताकि पैरेलल हो जाए एक्स वाई का, ठीक है। अब देखते हैं मैंने कैसे किया है, मुझे याद नहीं है अभी, तो देखते हैं। बी डैश पे कंपस रखा होगा शायद, जी हाँ बी डैश पे कंपस रखा और बी डैश ओ डैश जितना मैंने कंपस को खोल लिया और एक आर्क लगाई और उस पैरेलल लाइन पे कटवा दी जो पैरेलल लाइन पहले आई थी। अब यहाँ जो एरो हेड दिखाई दे रहा है ना आपको, मैं दिखा देता हूँ, ये एरो हेड, ये एरो हेड हमें एक नया पॉइंट देगा, उस पॉइंट का नाम होगा ओ वन डैश, ठीक है। और अब यहाँ से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम, ये नीली लाइन आई है जो, अब ओ बी वन को या फिर ओ बी वन पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे छोटी सी इस तरीके से। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, देखिए जहां मेरा कर्सर है, यहां इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वो ओ वन है, ठीक है। तो ओ वन को बी से मिलाएंगे हम। ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लंबाई और ऊपर जो लाल रंग की लाइन आई है, इन दोनों की लंबाई बराबर रहेगी क्योंकि दोनों ही ट्रू लेंथ है। अब परीक्षा में आपको ये दोनों ही स्टेप नहीं करने हैं, एक ही करना है, दूसरा मैंने खाली आपको बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। एक रूम है, उसका साइज है 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। एक चीज मैं बतानी भूल गया पिछले क्वेश्चन में। अब ये लाल और जो ग्रीन कलर की जो लाइन आई है, लाल और हरी, तो इन लाइनों की जब डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको स्केल में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ तो ये सेंटीमीटर में आएंगी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, फिर वही हमारा आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप, तो मैं इन रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए अब आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे। ए रूम 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, यानी 6 मीटर है उसकी लंबाई, 5 मीटर है उसकी चौड़ाई और 4 मीटर है उसकी ऊंचाई। इस कमरे के अंदर क्या है हमारा, एक लाइट बल्ब लगा है। ध्यान दीजिए, पहले ही बता दिया उसने, एक लाइट बल्ब है जो कि 0.3 मीटर अवे है। 0.3 मीटर अवे कहाँ से है, सेंटर ऑफ ए लॉन्गर वॉल, जो लंबी दीवार है। लंबी दीवार आप देख ही पा रहे हैं, ये जो लंबी दीवार है सामने वाली, इसी के पीछे भी होगी एक ऐसी ही दीवार लंबी, उस दीवार से कितना आगे है, 0.3 मीटर, यानी ये पिछली दीवार लूम है तो ये 0.3 मीटर जो है ये आगे की तरफ है। तो ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा बल्ब है, जो लंबी दीवार है पीछे वाली उससे 0.3 मीटर आगे की तरफ है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए लॉन्गर वॉल एंड 1 मीटर बिलो द सीलिंग, और छत से कितना नीचे है, 1 मीटर, छत से 1 मीटर हमने इसकी डिस्टेंस ले ली। अब पहली चीज तो ये डिफाइन हो गई ऑब्जेक्ट की। दूसरा देखते हैं, द स्विच फॉर द लाइट, अब ये बल्ब है, इस बल्ब को जलाने के लिए स्विच भी तो चाहिए। तो कहता है कि जो लंबी दीवार है उसके बाजू वाली दीवार, यानी स्विच फॉर द लाइट इज ऑन एडजेसेंट वॉल, ये ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट वॉल कौन सी हो जाएगी लंबी दीवार के, ये वाली, जो ये वाली दीवार। इस दीवार के ऊपर क्या है, एक स्विच लगा हुआ है। अब स्विच की पोजीशन भी देगा आपको, 1.5 मीटर अबव द फ्लोर, जमीन से कितना ऊपर है, ध्यान दीजिएगा 1.5 मीटर, और क्या कहता है, 1 मीटर फ्रॉम द अदर लॉन्गर वॉल। अदर लॉन्गर वॉल कौन सी होगी, सामने वाली दीवार, सामने वाली दीवार से 1 मीटर आगे की तरफ है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर की तरफ है। अब देखिए आपको अभी तक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, अगर मैं इस ब्लैक डॉट और रेड डॉट को मिलाऊं तो हमें क्या मिलेगा, एक धागा मिलेगा या कुछ दूरी मिलेगी, वो दूरी हमें सामने से और ऊपर से बिल्कुल भी ट्रू नहीं दिखेगी, तो उसी दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो ग्राफिकली दिखाना है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसी रूम की बल्ब और स्विच की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजिशन बनाएंगे। ये बॉक्स तो खाली मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो सबसे पहले देखिए हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस एक्स वाई लाइन के ऊपर जो लंबी दीवार है, तो सामने से देखेंगे तो लंबी दीवार जो ये वाली है, सामने वाली और पीछे वाली एक जैसे दिखेंगी, एक दूसरे को ये ढक लेंगी। तो हमारा साइज जो बनेगा वो बनेगा 6 मीटर बाय 4 मीटर का एक, और ऊपर से देखने पे बनेगा हमारा 5 मीटर और 6 मीटर का एक। तो देखिए किस तरीके से साइज बनाना है हमने रूम का।
ये जो हाइट है सामने से देखोगे तो कितनी दिखेगी आपको, 4 मीटर, और लंबाई कितनी दिखेगी, 6 मीटर। कुछ इस तरीके से हमने ये फ्रंट व्यू बना लेना है रूम का। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई, कुछ इस तरीके से। ये रूम के हमने फ्रंट और टॉप व्यू बना लिए हैं। सामने वाली दीवार लंबी दीवार है, ठीक है, तो उसकी ये जो लंबाई है, ये लंबाई है 6 मीटर है और ऊंचाई है 4 मीटर, और जब टॉप में से देखेंगे तो 5 मीटर हो जाएगी हमारी चौड़ाई और 6 मीटर हो जाएगी लंबाई। अब हम बल्ब का क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू, जो कि छत से कितना है, 1 मीटर नीचे, कुछ इस तरीके से 1 मीटर नीचे हमने बी डैश पॉइंट को डिफाइन कर लिया, क्योंकि बल्ब को सामने से देखेंगे तो वो कहलाएगा बी डैश, 1 मीटर नीचे। अब स्विच की बात करेंगे, जब स्विच को सामने से देखेंगे तो देखिए ये जो रेड डॉट है ना, आपको रेड डॉट, ये वाला रेड डॉट जो है वो आपको इधर दिखेगा, इधर जमीन से 1.5 मीटर ऊपर, कुछ इस तरीके से, ये रहा 1.5 मीटर ऊपर। तो स्विच का सामने वाला व्यू बन गया, बल्ब का सामने वाला व्यू, इसको मिला दीजिए, ये फ्रंट व्यू हो गया। यानी भागा है जो वो जोड़ने वाला बल्ब और स्विच को, वो है बी डैश और सी डैश, सॉरी एस डैश, ठीक बात होगी। अब टॉप व्यू बनाएंगे, जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको बल्ब दिखेगा 0.3 मीटर आगे, लेकिन कौन सी दीवार की, सिरे से, इस पीछे वाले सिरे से, यानी ये जो एक्स वाई लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन से 0.3 मीटर आगे की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 0.3 मीटर आगे आपको टॉप व्यू दिखेगा, बल्ब का टॉप व्यू है तो बी कहलाएगा, ये दूरी होगी 0.3 मीटर। अब ये जो पूरी ड्राइंग हमने की है, इसका एक स्केल है, जिस स्केल के अकॉर्डिंग आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे तो ये बन जाएगा। स्केल मैंने दोबारा नहीं लिखा यहाँ पे, आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी दूरी हम नहीं दिखा सकते कागज पे, इसलिए हमने ये ऐसा किया। अब देखिए स्विच का ही टॉप व्यू बनाएंगे, जब आप टॉप से देखेंगे ना इस रेड कलर के स्विच को, तो ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा कि 5 मीटर वाली चीज के सेंटर में है, ये 5 मीटर जो चौड़ाई है ना, इसके सेंटर में दिखाई देगा, लेकिन सेंटर में तो नहीं है ये तो 1 मीटर किस तरफ है, आगे की तरफ है, इस सिरे से, यानी इधर आइए, अब इधर आइए, इस कॉर्नर से कितना आगे है, 1 मीटर आगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये रेड डॉट। जब ऊपर से देखेंगे स्विच को ऐसे 1 मीटर आगे, यानी सामने वाली जो लाइन है उससे 1 मीटर आगे। अब बी और एस को मिला दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू। अब एक ये कह सकते हैं एक लाइन है जिसका फ्रंट व्यू है बी डैश एस डैश, और उसका टॉप व्यू है स्मॉल बी एस, हमें उसकी ट्रू लेंथ ज्ञात करनी है। वही तरीका, या तो हम अपने फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे कि वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो जाए, और टॉप व्यू में उसकी हम शॉर्टर डिस्टेंस कह लीजिए या ट्रू लेंथ कह लीजिए वो देख लेंगे, या फिर टॉप व्यू को घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे तब तक वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल ना हो जाए, और फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर यूं कहें ट्रू लेंथ। देखिए हमने क्या किया होगा, देखते हैं, हमने एस पे रखा होगा शायद कंपास के नीडल को, और एस बी रेडियस खोली होगी, स्मॉल एस बी, टॉप व्यू में आइए, टॉप व्यू को रोटेट किया होगा हमने शायद, देखते हैं, हाँ, तो देखिए स्मॉल एस पे कंपास नीडल रखिए और स्मॉल एस बी रेडियस ले लीजिए, और एक आर्क लगा दीजिए नीचे की तरफ, कब तक लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये जो एरो हेड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस एरो हेड पे ये आर्क मीट करेगी, और यहीं से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट आया है मेरा B1, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिख दिया है मैंने, B1 पॉइंट है, इसी के जस्ट ऊपर B1 डैश आएगा, कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट हो गया B1 डैश। अब समझ गए होंगे आप, B1 डैश को S डैश से हम मिलाएंगे, तो ये जो रेड कलर की लाइन आई है ना, ये है मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बल्ब एंड स्विच, या यूं कहे एक लाइन थी बी डैश एस डैश, जिसका फ्रंट व्यू भी छोटा था और टॉप व्यू स्मॉल बी एस भी छोटा था, लेकिन अब B1 डैश और S डैश में वो क्या दिख रही है, हमको पूरी लेंथ दिखाई दे रही है, तो ये हमारी ट्रू लेंथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है समझ में तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। 2 oranges ऑन ए ट्री आर respectively, एक पेड़ है उसके ऊपर 2 संतरे लगे हुए हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये, तो आपको करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आएगा, तो मैंने फिगर बना दी है आपको, ऐसी फिगर नहीं बनानी है पेपर में, आप खाली समझिए। देखिए एक पेड़ के ऊपर 2 संतरे लगे हैं जो कि क्या है, 1.8 मीटर एंड 3 मीटर अबव द ग्राउंड,
तो दोनों संतरों की दूरी जमीन से दे रखी है, देखिए 1.8 मीटर ये रहा और 3 मीटर ये रहा, दोनों संतरे की दूरी है 1.8 मीटर और 3 मीटर जमीन से। दे आर 1.2 मीटर एंड 2.1 मीटर फ्रॉम ए 0.3 मीटर थिक वॉल बट ऑन अपोजिट साइड। यानी है कैसा, आपने देखा होगा किसी किसी घर में पेड़ लगा होता है, अब पेड़ के ऊपर संतरे लगेंगे तो कुछ संतरे घर से बाहर भी जाएंगे और कुछ संतरे घर के अंदर भी लटके रहते हैं, तो बाहर लटके रहते हैं उनको छोटे बच्चे तोड़ लेते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल है। जो अंदर वाला संतरा है, एक दीवार है 0.3 मीटर की मोटी, ये दीवार मैंने बना दी है, अब इस दीवार से कितनी दूरी पे है, ऊपर से देखेंगे तो 1.2 मीटर जो संतरा है वो अंदर की तरफ है और जो बाहर संतरा लटका है वो 2.1 मीटर की दूरी पे है, यानी जमीन से भी दूरी दे दी है और दीवार से भी दूरी दे दी है। ठीक है, तो संतरों की दूरी दोनों दे रखी है, जमीन से भी और दीवार से भी। तो देखिए हमें निकालना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस व्हेन मेजर्ड अलोंग ग्राउंड्स। ठीक है, तो वही बात हो गई, हमें क्या करना है कि 2.7 मीटर दूरी दे रखी है हमें संतरों के बीच की भी। ठीक है, अगर फ्रंट से देखेंगे तो भी बता रखी है डिस्टेंस और टॉप से देखेंगे तो भी डिस्टेंस हमें बता रखी है, तो हमें रियल डिस्टेंस निकालनी है दोनों संतरों के बीच की। देखिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ आपके लिए, अगर आपको स्टेटमेंट से थोड़ा आइडिया आ गया है तो बहुत बेहतर है। मैंने ये वाल का फ्रंट व्यू बना दिया, ये सामने की दीवार बना दी, तो पहले संतरे को देखूंगा मैं तो पहले संतरे का फ्रंट व्यू दिखेगा मुझे P डैश, और जमीन से कितनी दूरी पे है 1.8 मीटर। जो दूसरा संतरा है वो कितनी दूरी पे है जमीन से 3 मीटर, उसका फ्रंट व्यू क्यू डैश हो गया। लेकिन अब उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस व्हेन मेजर्ड अलोंग द ग्राउंड, जब जमीन की दिशा में हम मापेंगे इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली जब मेजर करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी क्या दे दी है आपको 2.7 मीटर। यानी ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ये P डैश वाली और Q डैश वाली, इन दोनों के बीच की दूरी 2.7 मीटर है। फ्रंट व्यू रेडी हो गया, ठीक बात होगी। अब देखते हैं ऊपर से कैसा दिखेगा, इसी दीवार का हमने टॉप व्यू बना लिया, ये हमने टॉप व्यू बना लिया, तो एग्जामिनर ने कहा कि देखिए जो संतरे हैं ना आपके वो 0.3 मीटर की ये दीवार है, इसकी मोटाई दीवार की कितनी है 0.3 मीटर है। ठीक है, इस 0.3 मीटर डिस्टेंस से एक संतरा जो बाहर की तरफ है उसकी दूरी है 2.1 मीटर और जो संतरा घर के अंदर है उसकी दूरी है 1.2 मीटर। तो P डैश के जस्ट नीचे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे और ये 0.3 मीटर हाइट से कितना आगे जाएंगे 1.2 मीटर। सिमिलरली यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये 0.3 मीटर के डिस्टेंस से कितना आगे जाएगा 2.1 मीटर, ये हमें मिल जाएगा स्मॉल क्यू यानी संतरे का टॉप व्यू, जो घर से बाहर है, जो घर के अंदर लटका हुआ है पेड़ पे उसका फ्रंट व्यू तो हो गया हमारा P डैश और टॉप व्यू हो जाएगा दीवार से 1.2 मीटर आगे। ठीक है, यानी कुछ ऐसा है कि हमारा दो संतरों के सामने की दूरी दी गई है जो P डैश Q डैश जो कि ट्रू लेंथ नहीं है और स्मॉल पी क्यू जो कि टॉप व्यू डिस्टेंस है वो भी ट्रू लेंथ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ट्रू लेंथ ज्ञात करनी है दोनों संतरों के बीच की। तो वही तरीका अपनाएंगे, या तो हम अपने फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे ताकि वो एक्स वाई के पैरेलल हो जाए, या हम अपने फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो जाए। जब हम फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू में देख सकते हैं हम ट्रू लेंथ, और जब हम टॉप को रोटेट करेंगे तो फ्रंट में देख सकते हैं ट्रू लेंथ। देखिए कैसे हमने किया होगा, याद नहीं है अभी मुझे। हाँ देखिए, हमने टॉप व्यू को रोटेट किया, स्मॉल पी को रखा फिक्स और क्यू को रोटेट कर दिया, ठीक बात होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब ये जो लाइन आई है ना ये वॉल के पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये वॉल को भी मान लीजिए एक्स वाई लाइन है ये, ठीक। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा Q1, Q1 के ऊपर जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक बात हो गई। अब यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगी जो कि मेरी क्यू डैश से पास होगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, जहां मेरे माउस का कर्सर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, यही इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट है जो कि जुड़ेगा P डैश से, और इस पॉइंट का नाम है Q1 डैश। जब मैं P डैश को Q1 डैश से जोड़ दूंगा तो वो निकल के आ जाएगी मेरी क्या, ट्रू लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस। आप इसको मेजर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। अब हमने ये जो पूरी फिगर बनाई है इसका स्केल क्या है, इसका स्केल है
एक मीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि 1.8 मीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो वो कुल मिला के 2.6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो पूरी फिगर आपने बनाई है इसका स्केल है 1 मीटर = 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि थोड़ी सी टिपिकल भी थी, प्रैक्टिकल भी थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ड्रॉ करके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिएगा, तो मैं आंसर दूंगा आपको। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं आपको, आएगा 4.64 मीटर कन्वर्जन के बाद। आपका जो आएगा वो 4.64 सेंटीमीटर के करीब आएगा, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।